इंस्पेक्टर साहब को साफ साफ बता दे कि ताई, उसकी बेटी और उसके दामाद ने मिलकर तुझे मारने की कोशिश की। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ताई के परिवार ने मुझे कुछ नहीं किया। ये एक हादसा, मुझे एक सांप ने काट लिया। कार्तिक, तू क्या बोल रहा है? बोल दे, तेरे ऊपर सांप किसने फेंका? बोल बेटा, या फिर मैं क्या रहा हूं? सच क्या है कार्तिक जी? आप साफ साफ और निर्भय होकर बोलिए। इंस्पेक्टर साहब, सच यही है कि मुझे सांप ने डस लिया था। पर आपकी माँ? माँ तो ममता में व्याकुल हो जाती है। अगर अपनी औलाद की जान खतरे में होना तो आसपास के सभी लोग उसे गुनहगार लगते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है कि मेरे परिवार वालों को कोई गलत फहमी हुई है। वो तभी ताई के परिवार पर इल्जाम लगा रही। फिलहाल मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूं। मेरी आपसे एक विनती है कि आप ताई के खिलाफ पुलिस को कोई बयान मत दीजिएगा। आप जो चाहेंगे वैसे ही होगा कार्तिक जी। एक छोटा सा काम और करना है आपको। बाहर सिक्योरिटी गार्ड से कह दीजिएगा कि आज की रात हमारे घर पे अच्छे से निगरानी रखें। ताई और उनके परिवार का एक भी सदस्य इस घर से बाहर ना जाने पाए। कल सुबह मैं ताई को हेमा जी और बिंदु जी को और प्यारे जी को खुद सुना दूंगा। ऐसी सदा दूंगा कि वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। इस बार तो आपकी रानी साहिबा बुरी तरह फंस गई दामाद जी। जितनी मर्जी दौड़ा लीजिए आपके हाथी घोड़े, रानी साहिबा तो फंस गई। आखिरकार आपने तो मेरी रानी के घुटने टिकवा ही दिए। हमने कहां कुछ किया है दामाद जी, ये सब तो आपकी रानी साहिबा का किया धरा है। अपनी ही चालों में घिर कर गिर गई। बहुत तड़पाया लेकिन हमें, अब तड़पने की बारी उनकी है। ये लीजिए, ये दी शह और ये हुई मात।